वफाकी बजट में मोबाइल फ़ोन्स पर 18% सेल्स टैक्स के निफाज के बाद आज से ही कीमतें बढ़ा दी गई। बटन वाला सादा मोबाइल फ़ोन 500 से 700 रुपये और स्मार्टफोन की कीमतों में 7 से 10 हज़ार रुपये तक का इजाफा कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे, सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर, बताइएगा कीमतों में कितना, मोबाइल फ़ोन्स की कीमतों में कितना इजाफा किया गया है? आज बिल्कुल वफाकी बजट में मोबाइल फ़ोन पर 18% सेल टैक्स नाफिज कर दिया गया है, जिसके बाद मोबाइल की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। कीमतों में कितना इजाफा हुआ, एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या कहेंगे, कितनी कीमतें बढ़ गई, कौन सा मोबाइल कितने का हो गया है? सर 18 से 25% टैक्स लगा। अगर आप 20,000 वाली चीज़ लेंगे तो 24,000 की हो गई है, 30,000 वाली चीज़ लेंगे तो 35,000 रुपये की, अगर 50,000 वाली चीज़ लेंगे तो 55-60 हज़ार रुपये, और 1,30,000 से ऊपर की चीज़ लेंगे तो वो 1,30,000 वाली चीज़ 1,55-60 हज़ार की हो गई है। अच्छा, कब से कीमतें बढ़ी हैं? 1 जुलाई आज से रेट बढ़ गए हैं। जो टैक्स लगा था 2 दिन पहले 18% और 25%, आज से रेट बढ़ गए। तमाम मोबाइल महंगे हो गए या कोई बचा है? की पैड 2,000 से लेकर जितने तक का भी मोबाइल आना सब पे टैक्स लग गया, सारे मोबाइल महंगे हो गए। आप देखें, यहाँ पर जो दुकानदार, इनका कहना है कि बजट के अंदर जो टैक्स 18% सेल टैक्स लगाया गया है उसके नतीजे में तमाम मोबाइल की कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं। एक आम मोबाइल के ऊपर 500 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि जो बुलंद इजाफा है वो तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये का सामने आ रहा है। जी,